हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रिंग के बारे में समझेंगे। इसमें हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कैरेक्टर एरे की हेल्प से टेक्स्ट को चेंजेस कर सकते हैं, वर्ड को चेंजेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम वर्ड और टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं कैरेक्टर ऑफ एरे की हेल्प से। स्ट्रिंग कांस्टेंट वन डायमेंशन एरे है जो टर्मिनेट होता है ब्लैंक स्लैश जीरो से। इसे हम नल कैरेक्टर भी बोलते हैं। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट से क्लोज किया जाता है और कैरेक्टर को सिंगल कोट से क्लोज किया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, डिक्लेरेशन स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? कैर स्ट्रिंग नेम ब्रैकेट में साइज सेमीकोलन। स्ट्रिंग यहाँ पे वेरिएबल नेम है, कैर यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप है और ब्रैकेट में हम साइज लिखेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसे किस तरीके से लिखा जाता है। कैर जो कि कैरेक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग जो कि वेरिएबल नेम है, इसकी साइज हमने 20 ली हुई है, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में हर कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखेंगे और लास्ट में बैक स्लैश जीरो कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट सेमीकोलन। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैर स्ट्रिंग ब्रैकेट में 20 साइज इज इक्वल्स टू डबल कोट में हम अपनी स्ट्रिंग को लिखेंगे जो भी हम लिखना चाहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है आईटी शिक्षण सेमीकोलन। इस स्ट्रिंग को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैर स्ट्रिंग ब्रैकेट में हमने यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं की है इज इक्वल्स टू आईटी शिक्षण। यानी कि यहाँ पे आप मल्टी कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, हर कैरेक्टर 1 byte लेता है और लास्ट कैरेक्टर हमेशा बैक स्लैश जीरो होता है। यहाँ पर बैक स्लैश जीरो जो है वो एक ही कैरेक्टर है। बैक स्लैश जीरो को नल कैरेक्टर कहते हैं। बैक स्लैश जीरो और जीरो सेम नहीं है। ASCII वैल्यू बैक स्लैश जीरो इज जीरो, जबकि ASCII वैल्यू जीरो इज 48। जैसे कि यहाँ पे ASCII वैल्यू बैक स्लैश जीरो को कंबाइन करके जीरो होती है, अगर यहाँ पे जीरो होता है तो उसकी ASCII वैल्यू 48। इसलिए ASCII वैल्यू और जीरो दोनों डिफरेंट है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, एरे हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेट करता है और यहाँ पे कैरेक्टर एरे भी सेम तरीके से मेमोरी अलोकेट करता है, स्टोर करता है कैरेक्टर को। जैसे कि यहाँ पे एरे का एड्रेस दिया हुआ है 5002, 5003 एंड सो ऑन। यहाँ एड्रेस में एक का गैप है, यानी कि यहाँ पे 1 byte स्टोर किया है 1 character के लिए। I, T, S, H, I, K, S, H, A, N, N, backslash 0. Backslash 0 से इसे टर्मिनेट करेंगे तो इस तरीके से कैरेक्टर स्टोर होते हैं मेमोरी में। backslash 0 टर्मिनेटिंग में नल कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ये बताने के लिए कि स्ट्रिंग हमारी टर्मिनेट हो गई है। अगर हम स्ट्रिंग ब्लैक स्लैश जीरो से टर्मिनेट नहीं करते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। तो हमने आज देखा स्ट्रिंग क्या है और उसकी डिक्लेरेशन किस तरीके से होती है। थैंक यू।